अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्रो मालिक्यूल और बायोलॉजिकल मालिक्यूल प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैक्रो मालिक्यूल है वो न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स होती हैं, डीएनए एंड आरएनए। आपने इनका नाम काफ़ी बारी सुना होगा। डीएनए बोलते हैं हेरिडिटरी मटेरियल को। हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है? जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और आरएनए क्या होता है? आरएनए जीन एक्सप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी इंफॉर्मेशन डीएनए से लेता है और उस इंफॉर्मेशन से प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। आइए देखते हैं न्यूक्लिक एसिड का जो बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लियोटाइड वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट क्या हैं और न्यूक्लियोटाइड की टाइप्स क्या हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूक्लिक एसिड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप हैं, डीएनए और आरएनए, ये हम स्टडी कर चुके हैं। और ये न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस काबिल बनाता है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के बनने को रिप्रोडक्शन कह सकते हैं आप। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंपोजिशन, यानी न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक एसिड मैक्रो मालिक्यूल है, एक बहुत बड़ा मालिक्यूल है दैट एग्जिस्ट एज पॉलीमर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये लॉन्ग चेन के मालिक्यूल्स होते हैं जिन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। पॉली बोलते हैं मैनी और न्यूक्लियोटाइड मालिक्यूल है न्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? कंसिस्ट ऑफ मोनोमर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो मोनोमर है, मोनोमर क्या बोलते हैं, बिल्डिंग यूनिट को बोलते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिससे मिलकर कोई चीज़ बनी होती है उसे मोनोमर कहा जाता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड, यानी डीएनए और आरएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिस लॉन्ग चेन को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड के तीन पार्ट्स हैं, कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स। नंबर वन पेंटोज शुगर, सेकंड इज नाइट्रोजीनस बेस, थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप, वन और मोर फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, या आगे हम जब टाइप्स देखेंगे वहाँ पर हम स्टडी करेंगे। न्यूक्लियोटाइड विदाउट एनी फॉस्फेट ग्रुप इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। जब हम न्यूक्लियोटाइड के ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं इनमें से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देंगे, पीछे ये दो कंपोनेंट बचेंगे, तो इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद कर लेनी है। अब हम कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड को ज़रा डिटेल से देखते हैं। नंबर वन कंपोनेंट इज पेंटोज शुगर, इट इज़ अ फाइव कार्बन शुगर। पेंटा किसको बोलते हैं, फाइव। ओज किससे निकला है, शुगर से। तो ये एक फाइव कार्बन से मिली हुई एक शुगर की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इन केस ऑफ आरएनए इट इज़ राइबोज, वाइल इन केस ऑफ डीएनए इट इज़ डीऑक्सीराइबोज। डीएनए और आरएनए में से ये जो है थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। आरएनए के अंदर इसकी जो स्ट्रक्चर है वो राइबोज होती है, यानी यहाँ पर पहले आप देख लीजिए, दिस इज़ कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री, कार्बन नंबर फोर एंड कार्बन नंबर फाइव, इस तरीके से पीछे लिखा जाता है। और इन पर मैंने प्राइम के साइन ऐड किए हैं क्योंकि डीएनए की जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे वहाँ पर हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड कैसे फाइव प्राइम से थ्री प्राइम की डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, कार्बन नंबर टू पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, थ्री पर भी OH ग्रुप प्रेजेंट है। जब कार्बन नंबर टू पर OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उस स्ट्रक्चर को राइबोज शुगर कहा जाएगा, और जब कार्बन नंबर टू से ऑक्सीजन को रिमूव किया जाए तो डीऑक्सीराइबोज कहा जाएगा। और इसी वजह से डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, यानी उसकी राइबोज जो शुगर है उससे ऑक्सीजन रिमूव हुआ होता है। कौन से नंबर से? कार्बन नंबर टू से। डी ऑक्सी का मतलब भी यही होता है, डी मीन रिमूवल एंड ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। होपफुली आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है फॉस्फोरिक एसिड, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ ईस्टर लिंकेज बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड। दो न्यूक्लियोटाइड को जो आपस में जोड़े रखता है वो स्ट्रक्चर फॉस्फोरिक एसिड ही है, यानी फॉस्फोरिक एसिड की वजह से जो न्यूक्लियो जो डीएनए है आरएनए है उनकी जो बैक बोन्स हैं आपस में अटैच होती हैं, और जो बॉन्ड बनाता है वो ईस्टर बॉन्ड होता है। लेकिन हम जब हम डिटेल से देखेंगे तो हम देखेंगे फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड बनता है, यानी दो ईस्टर बॉन्ड बनते हैं दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान।
ओके, चार्ज ऑन डीएनए एंड आरएनए इज नेगेटिव ड्यू टू द फास्फोरिक एसिड। हम जानते हैं कि डीएनए और आरएनए पर नेगेटिव चार्ज है, किस वजह से है? फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से है। इट हैज एसिडिक नेचर, दैट इज व्हाई डीएनए एंड आरएनए आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड को? क्योंकि इसकी नेचर एसिडिक है, और एसिडिक नेचर किस वजह से है? फास्फोरिक एसिड की वजह से। आइए फास्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर देखते हैं। PO4 इसका फार्मूला है, यानी फॉस्फेट का, ये फॉस्फोरस का एलिमेंट है। इसके चारों साइड पे ऑक्सीजन अटैच्ड होता है, और एक साइड से ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन होता है उसका प्रोटॉन रिमूव हो जाता है, पीछे इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। और जब कोई एलिमेंट प्रोटॉन डोनेट करता है तो उसे एसिड कहा जाता है, और उसकी नेचर क्या एसिडिक होती है, इसी वजह से फॉस्फोरिक एसिड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। थर्ड जो कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजिनस बेस। ईच नाइट्रोजिनस बेस कॉन्टेन वन और टू रिंग्स दैट इंक्लूड नाइट्रोजन एटम्स। नाइट्रोजिनस बेस क्या है? जो भी नाइट्रोजिनस बेस होगी उसमें एक या एक से ज़्यादा यानी दो रिंग स्ट्रक्चर्स होंगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दिस इज वन रिंग स्ट्रक्चर, दिस इज टू रिंग स्ट्रक्चर्स, और हर स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट रेशियो में प्रेजेंट होंगे। इसी वजह से इस बेस को जो है, इस स्ट्रक्चर को नाइट्रोजिनस बेस कहा जाता है। बेस इसलिए कहा जाता है कि ये बेसिक इन नेचर होती है नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन में के अंदर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। ओके, नाइट्रोजिनस बेसिस की दो टाइप्स हैं, पाइरिमिडीन एंड प्यूरीन। पाइरिमिडीन हैज सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, दिस इज द सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, इसको पाइरिमिडीन कहा जाता है, और इसकी एग्जाम्पल है थायामीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ये तीन टाइप की जो नाइट्रोजिनस बेसेस हैं ये पाइरिमिडीन में इंक्लूड होती हैं, क्योंकि इनकी जो रिंग स्ट्रक्चर है वो सिंगल रिंग होती है और इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे नाइट्रोजिनस बेस कहा जाता है। द नेक्स्ट टाइप इज प्यूरीन। प्यूरीन इज लार्जर डबल रिंग स्ट्रक्चर। प्यूरीन क्या है? लार्जर होती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, और इसकी जो एक रिंग है उसके 6 मेंबर्स होते हैं, दूसरी रिंग के 5 मेंबर होते हैं, जबकि पाइरिमिडीन की जो रिंग है उसके अंदर 6 मेंबर्स रिंग स्ट्रक्चर होती है। प्यूरीन की एग्जांपल है एडेनिन एंड गवानीन। तो टोटल कितने टाइप की नाइट्रोजिनस बेसिस होगी? 5। डीएनए के अंदर 4 प्रेजेंट होती हैं, आरएनए के अंदर भी 4 प्रेजेंट होती हैं। डीएनए में थायामीन होती है, जबकि आरएनए में थायामीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होती है, ये आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड की तरफ। न्यूक्लियोटाइड की जो फर्स्ट टाइप है उसे मोनोन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड। जब कोई ऐसी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगी जिसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड होगा उसे मोनोन्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। इसकी एग्जांपल है AMP, ADP, ATP, एडीनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडीनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इनके नाम आपने सुने भी होंगे, ये एनर्जी यूनिट्स हैं। एडीनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी फॉस्फेट का एक एलिमेंट, एक ग्रुप लगा है, यहाँ पर हमने बात की थी वन और मोर फॉस्फेट ग्रुप, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ADP में 2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, ATP में 3 फॉस्फेट ग्रुप। जितने ज़्यादा फॉस्फेट ग्रुप होंगे उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी, और आपको पता है ATP क्या है? करेंसी है एनर्जी की लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज डाइन्यूक्लियोटाइड। जब यानी दो यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो उस स्ट्रक्चर को डाइन्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। डाइन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है NAD, निकोटिनमाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एक कोएंजाइम है, कोफैक्टर है, ये आगे हम रेस्पिरेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर देखेंगे इसका फंक्शन क्या होता है। ये एक एंजाइम है, कोएंजाइम, एनर्जी रिसीव करना और आगे ट्रांसफ़र करना इसका फंक्शन है। द थर्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इट कंपोज्ड ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, ठीक है। ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होती है, दिस इज द फाइनल टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और इसकी एग्जांपल है डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँगा एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर। दिस इज दी राइबोज शुगर, ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। ये क्या है? एक नाइट्रोजिनस बेस है, और ये क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है या फॉस्फोरिक एसिड है। तो तीन कंपोनेंट्स आपस में मिले हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बना है। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डीएनए और आरएनए को स्टडी करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।